नमस्कार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के ज्ञान सुधा चैनल पर आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु बनाए गए इस चैनल में आज हम हिंदी विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले वर्णमाला से संबंधित उन प्रश्नों को करेंगे जो साधारणतः बहुत सामान्य समझे जाते हैं, परंतु विशेष महत्वपूर्ण है और बहुत ही छोटी छोटी बातें जिन्हें हम ध्यान में नहीं रखते हैं, उन बातों के बारे में हम विचार करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला हम करें तो एक छोटा सा प्रश्न जो आता है वो ये भी है कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसी भी भाषा की मूल लिखित और अखंडित ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। फिर एक जो प्रश्न आता है वो आता है अक्षर, कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर क्या है? अक्षर भाषा की मूल उच्चरित और अखंडित ध्वनियां अक्षर कहलाती हैं। अक्षर शब्द भी क्या है? अक्षर जो नष्ट नहीं होती हैं उन ध्वनियों को हम कहते हैं अक्षर। तो इस तरह से किसी भी भाषा की मूल उच्चरित ध्वनियां जो हैं, अखंडित ध्वनियां हैं, उन्हें हम अक्षर कहते हैं। अब हम बात करते हैं वर्णमाला की। हमारे पास शब्द है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम वर्णमाला कहते हैं। जब हम वर्णों को व्यवस्थित रूप में रखते हैं तो ये व्यवस्थित रूप जो है वो वर्णमाला कहलाता है। हमारी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं, हिंदी वर्णमाला की हम बात करते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। एक तो है स्वर। प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, पहला तो यही है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो उसका उत्तर है हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो है व्यंजन, कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन है 35। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? व्यंजन है 35। अब हम बात कर लेते हैं कि ये स्वर कौन से हैं। स्वर हैं अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये हैं स्वर। कितने स्वर हैं? 11। इन 11 स्वरों में भी हम देख लेते हैं, एक प्रश्न आता है मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर हैं 4, अ, ई, उ और री। इन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी में मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर हैं 4। एक और बात है कि इन स्वरों की मात्राएं जो हैं व्यंजनों के साथ लगती हैं, तो अ की मात्रा, अ को छोड़कर के बाकी सारी स्वरों की मात्रा लगाई जाती है। अ, अ की मात्रा नहीं है, आ, ई, ई, ऊ, ऊ। और री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। तो इस तरह से इन सब स्वरों की मात्राएं व्यंजनों के साथ लगती हैं। अब हम बात कर लेते हैं व्यंजनों की। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? जैसा कि हमने बात किया, 35 व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंग। ये ध्यान रखना है हमें कि इसमें हमें ये जो बिंदी लगानी है वो बिल्कुल ऊपर करके यहाँ पर दाहिनी ओर लगानी है। च, छ, ज, झ और ञ। फिर है ट, ठ, ड, ढ और न। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। य, र, ल और व। श, श, स और ह। इस तरह से ये तो हुए 33 व्यंजन। इसके अलावा जो है एक अड़ और अढ़, जो दो व्यंजन हैं वो हिंदी में अलग से हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये तीन तरह की आकृतियां हैं। एक तो है अंग जो यहाँ पर लिखा है हमने, एक है ड और एक है अढ़। तो इस तरह से
ये अलग अलग आकृतियां हैं और हमें ध्यान रखना है कि ये जो पांच व्यंजन हैं ये शब्द के शुरू में नहीं आते हैं, शब्द इनसे शुरू नहीं होते हैं, ये शब्द के बीच में आएंगे या फिर शब्द के अंत में आते हैं। इसके अलावा जो चार हैं वो हैं संयुक्त अक्षर, क्ष, ट्र, ज्ञ और श्र, इनको हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर किसलिए कहते हैं? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर हैं ये। किससे मिलकर के बने हैं? जैसे हम देख लेते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र, चार संयुक्त अक्षर हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने संयुक्त अक्षर हैं, तो हिंदी में चार संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बने हैं? क और श से। क्ष किससे मिलकर बना है? क और श से। अब बात करते हैं त्र की, त और र से। फिर ज्ञ की, बोलते हम ज्ञ है लेकिन ये है ज्ञ, ज और म्य। अब बात करते हैं श्र की, तो श और र, श्र। तो इस तरह से ये चार संयुक्त अक्षर हैं। हमें ध्यान रखना है कि व्यंजन जो है वो स्वरों के मिलने से ही पूरे होते हैं। अगर स्वर नहीं है तो व्यंजन पूरा नहीं होगा। यहां पर भी अगर हम देखते हैं कि श जो है वो पूरा है, तो इसका मतलब इसमें अ स्वर मिला हुआ है और अ स्वर मिलने से ही ये व्यंजन पूरा हुआ है। तो अब हमारे पास है ध्वनियां, स्वर है हमारे पास 11 है। स्वर कितने हैं? 11 है। और व्यंजन की हम बात करते हैं तो व्यंजन है हमारे पास 35। और इसके बाद है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर है हमारे पास 4। तो ये हुए तीन प्रश्न, अलग अलग प्रश्न है हमारे कि संयुक्ताक्षर कितने हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। तो इस तरह से हम हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्ताक्षरों को देखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बाकी ध्वनियां जो हिंदी वर्णमाला में हमें दिखाई देती हैं, यानी कि स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों के अलावा जो ध्वनियां हैं वो कौन सी हैं, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्वर और व्यंजन ये ध्वनियां कितनी हुई हैं। मिलाकर के हमने देखा 11 स्वर, 35 व्यंजन, तो इनको मिलाकर के हम देखते हैं कि ये ध्वनियां हुई हमारे पास 52। तो ये हुई हमारे पास 50। और इसके अलावा दो ध्वनियां और कौन सी हैं जिनको मिलाकर के हिंदी के 52 अक्षर पूरे होते हैं। अब हम बात करते हैं उन दो ध्वनियों की। ये दो ध्वनियां हैं अंग और अह के नाम से जो जानी जाती हैं, यानी कि विसर्ग। एक तो है हमारे पास विसर्ग और दूसरा है अनुस्वार। दूसरा है अनुस्वार। अब विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग जो है वह ध्वनि है जो संस्कृत शब्दों में लगती है, यानी कि तत्सम शब्दों में हम विसर्ग का उपयोग करते हैं। और विसर्ग का जो उच्चारण है वो ह के रूप में होता है, जैसे अतः, हमने लिखा अतः, विशेषतः। तो इस तरह से विसर्ग जो है वो तत्सम यानी कि संस्कृत शब्दों में इसका प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार हम शब्दों में लगा हुआ देखते हैं, जिस तरह से हमने लिखा संबंध, तो यहां पर जो हमने ऊपर लगाया है ये क्या है? अनुस्वार। पहली बात तो ये है कि अनुस्वार जो है वो पंचम वर्ण का लगता है। पंचम वर्ण, जब हमने वर्णमाला देखी थी तो वर्णमाला में हमने देखा कि ये पांच जो है वो पंचम वर्ण है, पांच जो है वो पंचम वर्ण है। और इन पंचम वर्णों में से ही किसी एक का हम अनुस्वार लगाएंगे। और दूसरी बात है, कब लगेगा ये अनुस्वार? यदि पंचम वर्ण स्वर रहित है और उसके बाद का जो व्यंजन है वो उसी वर्ग का है, तो हम पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। अभी हम संबंध शब्द को ही देख लेते हैं जहां पर हमने अनुस्वार लगाया है। संबंध, संबंध शब्द में हम देखते हैं कि म जो है वो स्वर रहित है, पंचम वर्ण है, और इसके बाद वाला जो वर्ण है वो भी इसी वर्ग का है।
प फ ब भ म। तो इस तरह से हमने क्या लिखा है, इस म का अनुस्वार बना करके लिख दिया है। दूसरा हम देखेंगे न, तो न भी क्या है, पंचम वर्ण है और उसके बाद का जो वर्ण है वो उसी वर्ग का है, त थ द ध न। इस तरह से हमने इसको भी इस रूप में लिखा है। ऐसे ही हम बहुत सारे शब्द लिखते हैं, तो उनमें भी जैसे हिंदी शब्द है तो हिंदी में भी हम क्या देखते हैं, हिंदी न जो है वो पंचम वर्ण है और इसके बाद वाला जो वर्ण है वो इसी वर्ग का है, यानी कि त थ द ध न। तो इस कारण हम लिखेंगे हिंदी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं वर्णमाला के संबंध में, उसके अनुसार यदि पंचम वर्ण स्वर रहित है और उसके बाद का वर्ण जो है उसी वर्ग का है तो पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है, ये हमने देखा। तो अनुस्वार की बात हो गई है, अब हम बात कर लेते हैं अभिध्वनि की। अनुस्वार के बाद हम बात करते हैं चंद्रबिंदु की। अब हम बात करते हैं चंद्रबिंदु की। आप देखेंगे कि हम चांद लगा करके चांद जैसी आकृति और ऊपर हम बिंदु लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं चंद्रबिंदु ध्वनि के लिए ये अनुस्वार से अलग ये चिन्ह है। क्यों लगता है, इसे कहते हैं अनुनासिकता का चिन्ह, इसे कहते हैं अनुनासिकता का चिन्ह, यानी कि जहां पर हवा, अनुनासिकता का चिन्ह जहां पर हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है वहां पर हम उस ध्वनि को कहते हैं अनुनासिक ध्वनि। ऐसी ध्वनियों को लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो चिन्ह है चंद्रबिंदु। ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें हम अनुनासिक ध्वनि कहते हैं और उन्हें लिखने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे आंख, माँ, इन शब्दों में क्या है, ये चंद्रबिंदु है, अनुनासिकता का चिन्ह है। अनुनासिकता का प्रयोग शब्दों को बहुवचन बनाने पर भी होता है, जैसे हम कहते हैं राम जाता है, राम और श्याम जाते हैं, तो ऐसे में हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, लेकिन मात्रा में चंद्र के चले जाने के कारण सिर्फ बिंदु का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन यहाँ पर है चंद्रबिंदु ही। तो बहुवचन बनाने पर भी शब्द अनुनासिक हो जाते हैं तब हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा खिड़कियां, जब हमने लिखा खिड़कियां तो यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग हमने किया, इसी को हम लिखते हैं खिड़कियों, तो हमने बिंदु लगाया लेकिन है ये चंद्रबिंदु ही। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे कि शब्दों को बहुवचन बनाने पर जब अनुनासिक हो जाते हैं ध्वनियां तब हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर शब्द में मात्रा है ए की है या ओ की है, ई की मात्रा है, तो ऐसे में चंद्र लगाना अगर संभव नहीं है तो सिर्फ हम बिंदु लगा देते हैं, लेकिन उच्चारण जो है वो अनुनासिक ध्वनि के रूप में होता है, यानी कि नाक और मुंह दोनों से होता है। ये चंद्रबिंदु और अनुस्वार में अंतर भी है, तो शब्द शुद्धि में हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होना है और कहाँ पर जो है चंद्रबिंदु यानी कि अनुनासिकता के चिन्ह का प्रयोग होना है। एक ध्वनि हमारे पास है नुक्ता, एक ध्वनि है हमारे पास नुक्ता। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारे शब्दों में, शब्द में वर्ण जब लिखते हैं तो उसके पैर में ये चिन्ह लगाते हैं, तो जो ध्वनियां उर्दू से हिंदी में आई हैं उनके साथ हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं, और ये ध्वनियां हैं क ख ग ज और फ। क ख ग ज और फ ये पांच ध्वनियां हैं जहां पर हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। उर्दू शब्दों में विशेष रूप से इनका प्रयोग होता है, कई बार हम नहीं भी करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है शब्द शुद्धि में इस बात का कि शब्द शुद्धि में भी, दूसरी बात जब हम शब्द युगम अर्थ भेद करते हैं तो वहां पर एक नुक्ता के कारण जो है वो अर्थ भेद हो जाता है, शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे जरा और जरा और जरा, ये उर्दू का शब्द है जरा जिसका मतलब है थोड़ा सा, और दूसरा शब्द है हमारे पास जरा यानी कि हिंदी में इसका मतलब है बुढ़ापा। तो ये शब्द जो है वो शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी हम देखेंगे। दूसरा, जब हम करते हैं शब्द में
अर्थ भेद किस तरह से होता है, तो एक नुक्ता के कारण जो है शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। इस दृष्टि से भी हम नुक्ता को देखेंगे। आगत ध्वनियों में एक हम बात कर लेते हैं अर्धचंद्र की। आगत जो विदेशी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में आए हैं तो उनके साथ उनकी ध्वनियां भी आई हैं। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जिनका उपयोग हम करते हैं, और क्योंकि उनको लिखने के लिए हमारे पास लिपि चिन्ह नहीं था तो एक चिन्ह है जो दिया गया है वो है अर्धचंद्र। जैसे हम लिखते हैं कॉलेज, कॉलेज। अब ये कॉलेज शब्द जो है वो हिंदी में जो भी चिन्ह थे उनके उच्चारण के अनुसार नहीं था, क्योंकि हिंदी में तो आ है या फिर ओ ध्वनि है, लेकिन यहाँ पर जो कॉलेज शब्द का उच्चारण है वो आ और ओ से बिल्कुल अलग है, इसलिए वे ध्वनियां जो अंग्रेजी से हिंदी में आई हैं और जिनके साथ ओ ध्वनि है उच्चारण में, उनके लिए हम अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं। तो अर्धचंद्र लिपि का जो चिन्ह है वो इस तरह से है और ऊपर जो है चंद्र के रूप में लगा रहता है, इसीलिए इसको कहते हैं अर्धचंद्र। ये तो बात हुई कि वे ध्वनियां लिपि चिन्ह जिनका प्रयोग हम जो है देवनागरी लिपि में करते हैं। कुछ हम बात कर लेते हैं वर्णों को संयुक्त बनाने की दृष्टि से केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा क्या नियम दिए गए हैं, क्योंकि जब हम प्रतियोगी परीक्षा में शब्द शुद्धि की बात करते हैं तो हमें शब्द शुद्धि कौन सा शब्द शुद्ध है या नहीं है इसका निर्णय जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार ही करना होगा। तो इस दृष्टि से हम करते हैं वर्णों को संयुक्त बनाने के नियम। वर्णों को संयुक्त बनाने के नियम, चार वर्ण जो थे संयुक्त वो तो हमारे पास है ही, इसके अलावा भी वर्णों को हम संयुक्त बना करके लिखते हैं। आपने देखा होगा कि पुरानी जो किताबें हैं उनमें तो बहुत सारे वर्ण जो है वो संयुक्त बना करके लिखे गए हैं, इस तरह से लिखे जाते रहे हैं किताबों में ये शब्द, लेकिन कुछ का प्रयोग जो है अब बिल्कुल खत्म हो गया है। जैसे ये रिक्त शब्द में हमने क और त को मिलाकर के लिखा, ये रूप जो है अब उपयुक्त नहीं होता है, तो इसलिए नियमानुसार जो है शब्दों का संयुक्त रूप कैसे होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खड़ी पाई वाले शब्दों की। खड़ी पाई वाले शब्द कौन से हैं? जैसे हमने लिखा प, हमने लिखा म, तो जहां पर शब्दों में खड़ी पाई है यानी कि ये रेखा यहाँ पर लगी हुई है, ऐसे में खड़ी पाई वाले शब्दों को संयुक्त बनाने के लिए खड़ी पाई हटा करके संयुक्त बनाया जाना चाहिए। जैसे हमने लिखा निम्न, तो शब्द शुद्धि में अगर इस तरह से शब्द हैं हमारे पास, शब्द शुद्धि में इस तरह से शब्द दिए गए हैं, ऑप्शन में हमारे पास विकल्प हैं हमारे पास, तो हम देखेंगे कि इन तीनों विकल्पों में से जो शब्द सही है वो ये है, इन तीनों शब्दों में से ये सही है, क्योंकि नियमानुसार अगर हमें खड़ी पाई वाले शब्द को संयुक्त बनाना है तो खड़ी पाई को हम हटा देंगे, ना तो हम उसमें हलचल लगाएंगे और ना ही हम शब्द के ये यहाँ पर म बना करके उसके पैर में लिखा गया है तो यहाँ पर हम पैर में भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नियम है। तो इस तरह से इन तीनों में से कौन सा शब्द शुद्ध हुआ? ये निम्न। तो शब्द शुद्धि में हमें इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात हम कर लेते हैं, जिन वर्णों के साथ खड़ी पाई नहीं है वहां पर शब्दों को संयुक्त बनाने के लिए हम हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं मिट्टी, अब ट में जो है वो हल चिन्ह नहीं, वो खड़ी पाई नहीं है, तो इसलिए हम दो शब्द हमारे पास अगर दिए हैं शब्द शुद्धि के लिए तो दोनों में से मानक रूप कौन सा है, ऐसा रूप जो हमारे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हमें दिया है वो रूप ये, हम हल चिन्ह के साथ जो शब्द लिखा गया है उसका प्रयोग करेंगे। हालांकि हम ये बात फिर हम देख लेते हैं कि नई जो वर्णमाला की गई है 2019 की,
उसमें स्पष्ट किया गया है कि जैसे विद्यालय शब्द के लिए भी था कि आप विद्यालय में भी द में हलंत लगा करके लिखेंगे, तो उसके लिए ये बात कह दी गई है कि द के साथ य को मिलाकर के ही लिखा जाएगा, यानी कि विद्यालय शब्द फिर से हम यूं लिख सकते हैं। ऐसे ही एक शब्द है द्वितीय, द के पैर में व और य को तो हम लगाएंगे ही, यानी कि द्वितीय को हम इसी रूप में ही शुद्ध कहेंगे। तो अब नई जो वर्णमाला है 2019 में जो दी गई है उसमें ये कहा गया है कि द के साथ य और द के साथ व को मिला करके लिखा जाना चाहिए, और यहाँ पर ये रूप भी सही है। अब एक जो महत्वपूर्ण बात है वो हम कर लेते हैं र के संबंध में। तीसरी जो बात है वो हम र के संबंध में कर लेते हैं, क्योंकि र जो एक ऐसा वर्ण है जो कई रूपों में प्रयोग में आता है, इसके तरह तरह के रूप हैं जिनका प्रयोग हम लिखने में करते हैं। पहला जो रूप है वो तो हमने देखा कि र को हम इस तरह से पूरा ही लिखते हैं, तो यदि शब्द में र पूरा है यानी कि र स्वर सहित है और उससे पहले वाला व्यंजन भी स्वर सहित है तो र को हम पूरा ही इसी रूप में ही लिखते हैं, जैसे कि हमने लिखा सरस। अब यहाँ पर हमने देखा कि स जो है वो भी पूरा है और र जो है वो भी पूरा है यानी कि स्वर सहित है, तो ऐसे में हम र को इस रूप में लिखेंगे। दूसरी बात है यदि र स्वर रहित है, यदि र स्वर रहित है यानी कि हलचिन्ह, तो हलचिन्ह के साथ र को नहीं लिखा जाता और ना ही इसमें खड़ी पाई है, खड़ी पाई भी नहीं है, इसलिए हम इसको खड़ी पाई हटा करके भी नहीं लिख सकते। इसके लिए ये नियम है कि अगर र स्वर रहित है तो अपने से बाद वाले व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, यानी कि हम हलचिन्ह नहीं लगाएंगे बल्कि इसको जहां पर ये है उसके बाद में अगर कोई व्यंजन है तो हम उस व्यंजन के ऊपर इस र को लगाते हैं। ये र के संबंध में नियम है। अब हम तीसरा रूप भी कर लेते हैं कि एक पैर में भी हम लगाते हैं, र का एक रूप है जो हम पैर में लगाते हैं, तो र पैर में कब लगाया जाता है, यदि र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित है तो र उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे देखिए शब्द है इस तरह से, लेकिन प क्योंकि आधा है तो हम ऐसे नहीं लिखते, अगर प आधा है तो हम ऐसा नहीं लिखते हैं बल्कि हम इसको इसके पैर में लगा करके लिखते हैं, तो इस तरह से ये शब्द लिखा जाएगा। क्योंकि शब्द देखने से ये लगता है कि जैसे प जो है वो तो पूरा है और र जो है वो आधा है, जबकि है क्या कि यहाँ पर प जो है वो तो स्वर रहित है और र जो है वो स्वर सहित है, कि बहुत सारा भ्रम जो है इन में हो जाता है। जैसे क के साथ र है क्रम, तो क के साथ र है तो हम लिखते ऐसे हैं इसको, और यही सही है। क का जो स्वर रहित वाला रूप है वो नहीं लिखा जाएगा आधे के रूप में, बल्कि यहाँ पर र इसके पैर में आ जाएगा और हम इसको इसी रूप में लिखेंगे। एक और चीज जो हमें ध्यान रखनी है, यही र जो है जब हम ट के साथ लगाते हैं या ठ के साथ लगाते हैं या ड के साथ लगाते हैं तब इसी र को हम इस तरह से लगा देते हैं। जैसे हमने लिखा ड्रम, तो ड के साथ जब हमने र लगाया तो ये नीचे डबल करके दो रूपों में, इस दो लाइनों के रूप में हमने लिख लिया। ऐसे ही हमने लिखा ट्रक या हमने लिखा राष्ट्र, तो इस तरह से हम र के इस रूप का प्रयोग ट ठ ड में करते हैं। तो आज हमने हिंदी की मानक वर्णमाला के बारे में बात की है। शब्द शुद्धि में विशेष रूप से इन चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और इसके अलावा स्वरों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या है, अनुनासिकता का चिन्ह है, ऐसी ही ध्वनियां जो हैं वो विशेष ध्यान रखने की हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इन पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और वर्णमाला का ध्यान हम इसलिए भी रखेंगे क्योंकि जब हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि शब्दकोश में शब्द का क्रम बताइए, तो हम शब्द का क्रम तभी बता पाएंगे जब हमें स्वर और व्यंजनों के क्रम का पता होगा। तो हम अगली क्लास में शब्दकोश में शब्दों का क्रम करेंगे और व्याकरण से संबंधित और विषयों को देखेंगे। नमस्कार।